बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने खुल के ये कहा कि संविधान विरोधियों की इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी इस बारे में बोल देंगे तो यकीन मानिए कि भारत का जो शेड्यूल कास्ट है, भारत का जो मुस्लिम है, मैं तो खुल के कहता हूँ कि मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा जो ठगा गया और चला गया कांग्रेस के राज में, ठगा गया और चला गया। और आज भी मुस्लिम जब तक हक परस्ती की बात नहीं करेंगे तब तक जो है ये कांग्रेस जो है इसी प्रकार हमारे हक और हुकूक मारती रहेगी। वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये वही लोग हैं जो बांटने काटने और छाटने का काम कर रहे हैं। तो आज अगर हम आज खुल के करेंगे तेरी जुल्म की मुखालफत, तो वक्त का तख्ता नशिया कोई खुदा नहीं, तो यकीन मानिए कि ये जो लोग हैं जो आज सत्ता में बैठ के शेड्यूल कास्ट मुस्लिम आदिवासी और माइनॉरिटीज का हक खा रहे हैं, हम इन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। और चुनाव आयोग इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया, ओनली वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट अगर कल को ये कह दे कि नहीं जी अब ये पूरे भारत का जो राज है ये पंडे पुजारी चलाएंगे, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मान लूंगा? मैं नहीं मानूंगा। और इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि आज ये शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम पढ़ लिख कर इनके सामने मुंह खोलने लगे हैं, इन्हें जवाब देने लगे हैं, इन्हें कानून सिखाने लगे और इन्हें संविधान सिखाने लगे। अब आपका कोर्ट से दिक्कत? बिल्कुल है कोर्ट से दिक्कत। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के ये कहता है कि रामचरितमानस और गीता के अनुसार न्याय होगा, तो मैं खुल के उसका विरोध करूंगा, क्योंकि ना तो न्याय रामचरितमानस के वजह से होगा ना गीता की तरफ से होगा, अगर न्याय होगा तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर होगा। देखिए आज कांग्रेस के दफ्तर का जो घेराव है वो इसलिए है कि हम ईवीएम के विरोध में एक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करना चाहते हैं। और आप मुझसे सवाल पूछिए कि कांग्रेस का ही ऑफिस क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही वो राड़ की जड़ है जो आई थी। और अब ये देखिए कि शेर का भाई बघेरा, एक कुदन और दूसरा तेरा। अगर कांग्रेस पूरे भारत में जीत जाती तो वो मुंह में दही जमाकर पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाती, क्योंकि उसे पता है कि हक और हुकूक जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिमों का छीनने हैं हमें छीनने हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने मुसलमानों को आज से फर्श में ला दिया, और कांग्रेस ही वो पार्टी है जो नूरा कुश्ती करती है देश को संविधान को बचाने की। अगर हम कांग्रेस के ऑफिस के सामने अगर सवाल कर रहे हैं तो सवाल ये कर रहे हैं कि विरोध में जब आप संविधान लेके सड़कों पर चलते थे, क्या आप संविधान को भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि हमें लड़ना है? हाँ, अगर बहुमत से कांग्रेस जीत जाती तो यकीन मानिए ये वही क्लीन चिट देती जो आज भाजपा दे रही है। तो आप ये देखिए कि शेर का भाई बघेरा, एक कुदनो और दूसरा तेरा। और जो कांग्रेस है, मैं आपको एक बात बता दूं, हम क्यों इस प्रोटेस्ट में है, यकीन मानिए कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पड़ आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पड़ आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो यकीन मानिए जितनी भी ये बच्चा पार्टियां हैं आरएसएस की और संघ की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उन्हें हम चैन से जीने नहीं देंगे। और यकीन मानिए ये लड़ाई ज्यादा संविधान बचाने की है, क्योंकि जो राहुल गांधी बचा तो रहे संविधान, ना ऐसा संविधान नहीं चाहिए कि जब पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाए और विपक्ष का नेता चुनने की बात आए तो शेड्यूल्ड कास्ट का जो विपक्ष का नेता है उसे ना चुने, किसी मुस्लिम को ना चुने। ऐसा हमें नेता नहीं चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू पार्लियामेंट से हटा दी और किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उसके मुंह पे जबान नहीं खोली। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक निर्णय दिया दलविंदर सिंह का, जिसने जातियों में बांट दिया, जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये वही लोग हैं जो बांटने काटने और छाटने का काम कर रहे हैं। तो आज अगर हम आज खुल के करेंगे तेरी जुल्म की मुखालफत, तो वक्त का तख्ता नशिया कोई खुदा नहीं, तो यकीन मानिए कि ये जो लोग हैं जो आज सत्ता में बैठ के शेड्यूल कास्ट मुस्लिम आदिवासी और माइनॉरिटीज का हक खा रहे हैं, हम इन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। और ये जो लड़ाई है एक दिन की लड़ाई नहीं है, यकीन मानो कि जो वो भी गैर संवैधानिक था, नोटबंदी थी वो भी गैर संवैधानिक था, कॉलेजियम सिस्टम है वो भी गैर संवैधानिक है। और इन सभी गैर संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ हम जो वकील हैं, अगर
जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में कोट पहन के लड़ेंगी, और अगर जरूरत सड़कों पर पड़ी तो हम सड़कों पर भी हम आंदोलन करेंगे। बसपा को क्या दिक्कत है? बसपा वाले ही हैं ज्यादातर यहाँ नजर आ रहे हैं। नहीं, बसपा को दिक्कत कुछ नहीं, बहुजन समाज पार्टी एक बात ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले ईवीएम के विरोध में खुलकर अपना पक्ष लिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये मीडिया वाले भूल जाते हैं कि जब दलविंदर सिंह का जो डिसीजन आया, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने खुल के ये कहा कि संविधान विरोधियों की इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी इस बारे में बोल देंगे तो यकीन मानिए कि भारत का जो शेड्यूल कास्ट है, भारत का जो मुस्लिम है, मैं तो खुल के कहता हूं कि मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा जो ठगा गया और छला गया कांग्रेस के राज में, ठगा गया और चला गया। और आज भी मुस्लिम जब तक हक परस्ती की बात नहीं करेंगे तब तक जो है ये कांग्रेस जो है इसी प्रकार हमारे हक और हुकूक मारती रहेगी। ऐसे तो राहुल गांधी कहते हैं कि संघ वालों की जगह नहीं है कांग्रेस। नहीं, सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा संघ ही इन्होंने पैदा किए, सबसे ज्यादा सांप इन्होंने पैदा किए, और वो सारे सांप जो है आज संविधान पर जो है डोरे डाल रहे हैं। यकीन मानिए अगर राहुल गांधी खुल के इस बात को कहते हैं कि संघियों की कांग्रेस में जरूरत नहीं है, तो अगर ये छटाई करेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो सफेद जनों मिले जो कि संघियों से इनको जोड़ता है। नहीं, हम तो बिल्कुल विरोध करेंगे, हम विरोध कर रहे थे, करेंगे, और जब तक के खिलाफ हम एक राष्ट्रीय आंदोलन सहमति नहीं बना लेते हम सड़कों पर दिल्ली में इनका जीना हराम कर। सर, आयोग कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होता है। नहीं, चुनाव आयोग कौन, क्या चुनाव आयोग? एक बात मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया, ओनली वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट अगर कल को ये कह दे कि नहीं जी अब ये पूरे भारत का जो राज है ये पंडे पुजारी चलाएंगे, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मान लूंगा? मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो चुनाव आयोग की जो मंशा है वो हम लोगों को बहकाने की है, बरगलाने की है। और इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि आज ये शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम पढ़ लिख कर इनके सामने मुंह खोलने लगे हैं, इन्हें जवाब देने लगे हैं, इन्हें कानून सिखाने लगे हैं और इन्हें संविधान सिखाने लगे हैं। आपको पुलिस से दिक्कत, कोर्ट से दिक्कत, विपक्ष से दिक्कत, सरकार से दिक्कत, करना क्या चाहते हैं? हम करना चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, वो लाना चाहते हैं कि जिस व्यवस्था के अंदर इन्होंने डीम के लगा दिए हैं, जिन संविधान को जो है खत्म करना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, हाँ पुलिस से दिक्कत है, मुझे दिक्कत है, आप ये बताओ क्या ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है कि प्रोटेस्ट करना? क्या मैं आर्टिकल 19 का वॉयलेशन कर रहा हूं? परंतु आप उस सड़क पे जाके दिखा दीजिए, आपके आगे और पीछे से लाल कर देंगे। अब दूसरी बात कि हम पुलिस से क्यों नहीं डरते, क्योंकि हमारे पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, ब्लैक कोट और संविधान जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आपका कोर्ट से दिक्कत, बिल्कुल है कोर्ट से दिक्कत। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठ के ये कहता है कि रामचरितमानस और गीता के अनुसार न्याय होगा, तो मैं खुल के उसका विरोध करूंगा, क्योंकि ना तो न्याय रामचरितमानस के वजह से होगा ना गीता की तरफ से होगा, अगर न्याय होगा तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर होगा। अब आप मुझसे पूछे कि दिक्कत, बिल्कुल, कल तक आप ये जो लोग हैं, अरे अगर आज चुनाव आयोग अगर ये कहता है कि ठीक है तो जाके इलन मस्क को चैलेंज करें ना, जिसने इलन मस्क ने अभी जो पिछले महीने ट्वीट किया है कि यस, हाँ कि यस इट कैन बी टेम्पर्ड is not solid proof of the ballot and India is the largest democracy of the world. तो अगर चुनाव आयोग इस बारे में कह रहा है तो मैं तो चुनाव आयोग से एक गुजारिश कर रहा हूं कि इलन मस्क के किसी भी छोटे जो छोटे साइंटिस्ट को बुला ले, अगर इलन मस्क क्लीन चिट दे दे तो मैं भी मान लूंगा कि हाँ आपकी है, वो वाजिब है और सही है और संवैधानिक। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी वोट के सबसे बड़े चोर है, सबूत वो हमसे लेता ही नहीं है, वो तो मेरी चिट्ठी का भी जवाब नहीं देते ना, सबूत सारे हमने दे रखे हैं, लेकिन वो चोरी कर रहे हैं, उनके माध्यम से चोरी हो रही है, इसलिए वो कोई सबूत लेना ही नहीं चाहते। सबूत तो सारे दे रखे हैं मैंने तो वीडियोग्राफी बना के दे रखी है सबूत। हमारा तो कहना एक ही है कि जो वीडियोग्राफी कराने का हमने ऑर्डर कराया दिल्ली हाईकोर्ट से सारे चुनाव में, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वीडियोग्राफी चला दे चुनाव आयोग, जनता जो है उनको अपने आप कुर्सी से उतार के जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी। चोर चोरी कर रहे हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वोटों की चोरी कर रहे। आपने जो कहा कर दिखाया कांग्रेस दफ्तर आगे, अब आगे क्या है, क्या रणनीति है सर? आगे हम आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं बार बार, ये हमारा पहला आज है, शुरुआत है, इसके बाद आंदोलन और मजबूत होगा। अभी हम सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे, हर एक अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता की नौकर है, उन्हें ये काम देश की जनता का करना पड़ेगा, पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन में आगे आना पड़ेगा। उसके बाद पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, सबसे सुरक्षित चुनाव होंगे।